की क्लास या एसएसटी क्लास, हिस्ट्री की क्लास या कुछ क्वेश्चन आमिर सर के साथ डिस्कस कर रहे थे। अब हम आपसे बातचीत करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी जो इंपॉर्टेंट सेशन है आपका पहले से शुरू हो चुका था और जिसमें आपको एक मेजर लेवल पर एसएसटी के 30 नंबर का जो वेटेज है उसके कुछ कंटेंट को आपसे डिस्कस किया जा रहा था। अब हम एक दूसरे बड़े टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होने जा रहे, तो जुड़िए जरा, थोड़ा फ्रेश हो जाइए और शुरू करते हैं आपके दिमाग का टेस्ट चेंज करते हुए एक सवाल लेकर आते हैं। कल जैसे मैंने एक सेशन किया था जिसमें इस बात को डिस्कस किया था और उसमें कहा था कि आपको पुरस्कार मिलेगा, तो एक स्टूडेंट केवल 11 क्वेश्चन में एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने आपको क्या किया था, शुरू किया था क्वेश्चन बताना और एक स्टूडेंट। तो पहला जो, अब दूसरा जो सेशन है ये मैराथन क्लास चल रही है, आज 3 बजे से चल रही है और लगातार चलती रहेगी। और आज आप अपने डेटा को थोड़ा बचा के रखिए, बैटरी को यानी फोन को चार्जर से जोड़िए ताकि कहीं कोई बाधा ना आए। सवाल हम लिखने जा रहे हैं पहला, तो जितने सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले। 7 बजे से 8 बजे के बीच जो रोज क्लास चलती है और संडे को जो मैराथन क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। तो पहला सवाल हम लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हम कॉन्सेप्ट फैक्ट और क्वेश्चंस के साथ आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहला है विवेक युक्त चिंतन के विषय में, विवेक युक्त चिंतन के विषय में, विवेक युक्त चिंतन के विषय में, विवेक युक्त चिंतन के विषय में किसने बताया था, चिंतन विवेक युक्त चिंतन के विषय में किसने बताया था, विषय में किसने बताया था, ये आपको बताना है किसने बताया था। अगर कोई कमेंट में आंसर लिख सकता है तो बिना ऑप्शन के लिखे, वरना हम ऑप्शन भी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आप वहां से आंसर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। पहला है जॉन ड्यूवी, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है जॉन ड्यूवी, और दूसरा ऑप्शन है यहां पर स्किनर, और तीसरा ऑप्शन है फ्रॉवेल, और चौथा ऑप्शन है फ्रॉवेल के बाद आ रहा है, फ्रॉवेल के बाद फोर्थ नंबर जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका है जिसमें लिखा है, जिसमें लिखा गया है ओसवर्न, ओसवर्न। अब आपको बताना है कि यहां पर क्या राइट है, विवेक युक्त चिंतन। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो ताकि पता चले शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो आप तेजी से तैयारी शुरू कर चुके थे। मोहम्मद अरहान जुड़े हुए हैं, निधि राठौर हैं, और सत्य प्रकाश जी हैं, नेहा मिश्रा हैं, इसरानी राय हैं, जितने भी लोग साक्षी गुप्ता हैं, क्वेश्चन का आंसर करें, शेयर करें और सारे लोगों को जोड़ें ताकि आपका सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल हो जाए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आप सब जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण चीजें आप सीख रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करें अगर किसी को आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा तब भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऐसे नए सवालों को जो आप अक्सर YouTube चैनल पर या डिफरेंट, और हाँ KM रागिनी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, नमस्ते सर, और नेहा मिश्रा जी ने आंसर किया है 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ गौरव कन्वर जी अभी विवेक भाई थे सब गायब हो गए ना, इसलिए कहते हैं कि पढ़ना बिरले लोग कर पाते हैं, पढ़ना लिखना सबके बस की बात नहीं है, बहुत किस्मत वाले लोग है। हरि व्यापक कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, इस दुनिया में सब कुछ बड़ी ही आसानी से उपलब्ध है लेकिन उसके लिए आपको गतिविधि करना पड़ता। ज्योति तिवारी जुड़ी है, सपना वर्मा है, अनुराधा गुप्ता है, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी तक किसी ने सही नहीं कहा। प्रतिभा सर पता नहीं, अच्छा नहीं पता है तो हम बताएंगे, विवेक युक्त चिंतन की बात हो, विवेक युक्त चिंतन की बात हो या यहां पर चिंतनशील विचार की बात हो, चिंतनशील विचार की बात हो, चिंतनशील विचार की बात हो, ये दोनों क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती से संबंधित सवाल हैं। हुमा खानम जी जुड़ी हुई है,
हेलो सर, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आप सब जानते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं वर्धनम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन का राइट ऑप्शन है जॉन डीवी। अब जॉन डीवी से रिलेटेड कितनी बातें आप जानते हो जरा लिख कर बताओ कमेंट में। जॉन डीवी से दिव्या मिश्रा ने क्वेश्चन नंबर एक का पहला ऑप्शन लगाया, राइट ऑप्शन वन है हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। पहला यहां जॉन डीवी, जॉन डीवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेकर आए थे, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया था। दूसरा लचीली पाठचर्या, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, लचीली पाठचर्या के बारे में बताया था। पाठचर्या के बारे में किसने बताया था? जॉन डीवी ने बताया था। तीसरी बड़ी बात, जॉन डीवी ने डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन प्रोसीजर को बताया था। लैबोरेटरी स्कूल या लैब स्कूल स्टेब्लिश किए थे जॉन डीवी ने, लैबोरेटरी स्कूल स्टेब्लिश किए। नुपुर त्रिवेदी जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। कई सारे स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया था ज्योति तिवारी ने बताया है। हाँ आई एम सर राइट, बिल्कुल एकदम राइट है आप। चौथी बात, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक डिसिप्लिन प्रोसीजर को डिफाइन किया था। और बहुत सारी जॉन डीवी से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, हम आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, बाइपोलर, बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम। देखिए अब बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम कौन लेकर आया था, दूसरा सवाल इन्होंने कहा है बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखते हैं बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इस पर भी चर्चा करते हैं। बाइपोलर और ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम, ये होता है बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम, एक होता है ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम। कौन लेकर आया था यहां पर, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। बाइपोलर ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम, ट्राइपोलर में यहां पर एक स्टूडेंट है, यहां पर एक टीचर है, और यहां पर एक कैरिकुलम है यानी विषय वस्तु है, यानी सिलेबस है, विषय वस्तु। ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम कौन लेकर आया था? जॉन ड्यूवी लेकर आए थे। तो बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम कौन लेकर आया था? स्टूडेंट है और टीचर है, स्टूडेंट टीचर। ये बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम, बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम, बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम गिवन बाय, तो आपको बताना है कौन लेकर आया था। है कोई बच्चा? नेहा तिवारी, ट्राइपोलर बोला था जॉन डीवी ने, ठीक है। सोनाली सिंह नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। विवेक, जॉन डीवी लाए थे, बाइपोलर लाए थे विवेक भाई, एकदम हड्डियां काट देंगे हम तुम्हारी। और तुमको ये जो 120 नंबर लाए हो, हम तुमको फिर से पेपर सॉल्व कराएंगे। हाँ, नेहा मिश्रा, स्टूडेंट टीचर एंड कैरिकुलम इन जॉन डीवी, राइट ऑफ लाइन है नेहा मिश्रा की। लेकिन हमने पूछा अनुराधा गुप्ता, जॉन डीवी बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम गिवन बाय, यानी द्विध्रुवी शिक्षा व्यवस्था किसने दी थी, द्विध्रुवी शिक्षा व्यवस्था के बारे में किसने बताया था, द्विध्रुवी शिक्षा व्यवस्था के विषय में किसने बताया था। है कोई बच्चा जो बता सकता है? द्विध्रुवी यानी बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम गिवन बाय, आपको आंसर करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। एक्सपर्ट टीचर आपके साथ जुड़कर शिक्षक भर्ती परीक्षा में इतना अभ्यास कराएंगे कि कुछ बचेगा नहीं। मैं पता है आपको, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुम्हारे लिए सिर्फ इस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा टारगेट है, और तुम्हारे लिए सब कुछ सपना है, सब कुछ मिट जाने वाला है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ मिथ्या है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए क्या कर रहा है वह, शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम अवश्य शिक्षक बन जाएं। तो इंपॉर्टेंट है, शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आपको बताना पड़ेगा बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम। अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम का आंसर बताया हो, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है
जिसने बाइपोलर एजुकेशन सिस्टम किसने दिया, तो हम कहने जा रहे हैं एडम्स ने दिया। किसने दिया? एडम्स ने दिया। है कोई बच्चा जो ये बात नहीं जानता था? हाँ, ये देखो ईसा। अब आते हैं ढूंढ ढूंढ करके, गूगल करके आते हैं, तब बताते हैं एडम्स ने दिया है सर। हाँ, कोई स्टूडेंट नहीं दे पाया था आंसर। देखिए, ये तो बेईमानी है आपकी, ये आपकी बेईमानी है। एडम स्मिथ आप सबका आ रहा है। गौरव कन्वजिया जी का भी आ गया आंसर। दिव्या मिश्रा, श्रानी राय, विवेक यादव, ज्योति तिवारी, अब तो सब आंसर करने लगेंगे। अब आपके पास क्षमता आ गई है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करें और डेप्थ पर पढ़ाई करें। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया है सीखने का हृदय, अभिप्रेरणा जो है सीखने का हृदय है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर टू, अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है। अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन सीखने का हृदय है, हार्ट, हृदय है। यह किसने कहा? सीखना हृदय है। अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है। अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है। तो यहाँ चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन जिसमें लिखा गया है स्किनर, दूसरा ऑप्शन लिखा गया है जिसमें लिखा है रोजर्स, और तीसरा ऑप्शन जिसमें लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन जिसमें लिखा गया है थांडाई, और फोर्थ ऑप्शन जिसमें लिखा गया है हेव। आपको बताना है अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, यह बात किसने कही है? अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है। सर दिमाग में था, याद ही नहीं आ रहा है। हुमा खानम प्रतिभा, जॉन एडम्स एंड ने बाइपोलर दिया। प्रतिभा जी, अब बताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुंग गई खेत। आपके साथ वही होता है जब परीक्षा हाल में बैठे होते तो कुछ याद नहीं आता, और जहां बाहर निकलते धड़ याद हो जाता। तब क्या होता, क्या बरसा जब कृषि सुखाने, तो वो सब बातें फ्रेजल हो जाती हैं, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर टू है अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, आपको बताना है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, बताइए जरा। अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, कोई बताए बच्चा? अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, कोई स्टूडेंट बताए? कोई बच्चा बताए अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है? कोई स्टूडेंट बताए किसने कहा है अभिप्रेरणा सीखने का हृदय है, या अभिप्रेरणा सीखने का हृदय, ये बात किसने कही है? चलिए बताइए जरा, अभिप्रेरणा सीखने का हृदय। फिर हम आगे आते हैं और नए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक आखिरी सवाल स्किनर ने, सर यू आर राइट सर, हाँ यू आर राइट, हम तो हमेशा राइट रहते। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन लेकर आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? आरोपण का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन फिर हम आपको दे दे रहे। पहला ऑप्शन यहां पर है जिसमें लिखा है वर्दीमर कोफ का कोहलर। दूसरा ऑप्शन है जिसमें लिखा है थांडाई। तीसरे में लिखा है पावलोव स्किनर, और फोर्थ में लिखा है स्पीयरमैन। ये आपको क्वेश्चन नंबर तीन करना है। कोई बच्चा, अनुराधा, प्रियांशी गुप्ता जुड़ी हुई हैं, देखिए कितना धड़ाधड़ आंसर काट रहे हैं आप लोग, मत डिलीट किया करिए, देखा जाएगा जो होगा। नीलम गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हूँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रतिभा राय ने 3-1 दिया है आंसर। प्रतिभा सिंह ने दिया है 3 नंबर क्वेश्चन का 1। आरोपण का सिद्धांत संबंधित है, तो बताओ भैया आरोपण का सिद्धांत किससे संबंधित है? वर्दीमर कोहलर, थांडाइक या स्पीयरमैन से संबंधित? जबरदस्त सवाल है,
अगर आपको आ रहा होगा तो आप बताएंगे, वरना आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कठिन सवाल हम यहाँ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वर्ड इंग्लिश में बता दीजिए। किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का, आरोपण का सिद्धांत। आरोपण का सिद्धांत इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग। आरोपण का सिद्धांत इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग कहते हैं। नीलम गौतम ने 3 का ए लगाया, राइट ऑप्शन होगा, 3 का ए राइट ऑप्शन होगा। हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है। पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा है, जिसमें लिखा है पर्सनालिटी व्यक्तित्व। दूसरा है जिसमें लिखा है बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। तीसरा ऑप्शन जिसमें लिखा है लर्निंग अधिगम। और फोर्थ ऑप्शन लिखा है कर्व ऑफ लर्निंग अधिगम वक्र। कर्व ऑफ लर्निंग यानी अधिगम वक्र। आपको इन 4 में से निर्णय लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष है। हाँ अनुराधा सर, दूसरा क्लियर कर दीजिए, कौन सा दूसरा क्लियर करना है हमें आप कमेंट में। सर इंग्लिश में मेरा बोल दीजिए, फर्स्ट वर्ड बोल तो दिया, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग। ये जो क्वेश्चन है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी है। हम अगर प्राइमरी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले की समझ है। जिसमें एक रीजनल लैंग्वेज, दूसरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज और तीसरी ग्लोबल लैंग्वेज। अगर कहीं कोई टर्मिनोलॉजी का इशू है तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। इसमें आपको कोई नेचर विद वर्सेस नर्चर, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू पर्सनालिटी इंटेलेक्ट लर्निंग कर्व ऑफ लर्निंग, चारों ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू पर्सनालिटी इंटेलेक्ट या लर्निंग या फिर कर्व ऑफ लर्निंग। निधि राठौर 4 का 2 लगाया है, इसारी राय ने 4 का 4 लगाया है और ऋचा श्रीवास्तव ने 4 का 2 लगाया है। तो जितने भी छात्र, के एम रागनी ने 2 लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा? आसान चीजें नहीं होती हैं, गलतियां हो सकती हैं आपसे, उसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी है। जितने नए बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो घंटे जैसी संरचना बनेगी, उसको प्रेस कर देंगे ताकि सबसे जल्दी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपको वर्धनम एकेडमी की प्राप्त हो जाएंगी। अनुराधा जी ने पर्सनालिटी लगाया, इसीलिए अनुराधा हम तुमसे कहते हैं तुम पढ़ो हमसे थोड़ा, है ऐसे नहीं होता है काम, वरना फिर हमारी भी बेइज्जती कराओगे तुम। है आप एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास एक मरीज जाता था और खूब इलाज, क्या नाम वो करते थे, तबीयत से इलाज करते थे, जो कहते थे परहेज करने के लिए करता नहीं था और दवा टाइम से नहीं खाता था। कोई पूछता था कि कहां से दवा ले रहे हो तो कह देते थे फला डॉक्टर, अरे वो तो डॉक्टर ही बेकार है। तो यही हमारा भी होगा, पता लगा पढ़ रहे हो खूब हमसे और फिर वहां एक नंबर सिलेक्शन में कम हो जाएगा। किसके पास पढ़ रहे थे? विपिन सर के पास पढ़ रहे, अरे वो तो गधे टीचर है ये है। तो हमारी बेइज्जती होगी, तो अपनी इज्जत के साथ हमारी इज्जत को भाई बना के रखिए। इसलिए पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में जुड़े रहिए और देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। एक चिड़िया थी, एक छोटी सी चिड़िया थी, बच्चों सुनिएगा जरा गौर से, एक छोटी सी चिड़िया थी और एक बार गर्मियों में जून के महीने में जंगल में आग लग गई, तेजी से आग लग गई, पूरी उड़ान उफान पे थी आग और सारा सब कुछ जल रहा था, सारे पेड़ पक्षी पौधे जो कुछ भी थे सब जल रहे थे, कुछ जो जानवर भाग सकते थे भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया क्या कर रही थी, दूर जाकर तालाब से एक पानी चोच में भरती थी और बहुत ऊंचाई से एक चोच से पानी डाल देती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते। देखिए चिड़िया मूर्ख है, बताओ एक बीक पानी में क्या होने वाला है। अब उसने क्या कहा,
सर उसने कहा ये, हुमा खानम ने कहा सर मैंने तो साइकोलॉजी आपसे ही सीखा है। बहुत सारे लोग सीखते हैं, हम खुद सीखते खुद फिर सीखते हैं, तो ये हम आपको बताते। चिड़िया का मजाक लोग उड़ा रहे थे, तो चिड़िया ने कहा जब लिस्ट बनेगी आग बुझाने वालों की और आग लगाने वालों की, तो हमारा नाम जो होगा आग बुझाने वालों में होगा, लगाने वालों में नहीं होगा। तो हम इसलिए आपसे ये बात कह रहे हैं कि आप सीखने सिखाने वाली प्रक्रिया में जुड़िए। क्यों आप इतना कंफ्यूज रहते हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस आपसे ही आया, सब आ जाएगा। हमारे पास वो इंजेक्शन है ना वैक्सीन वाला, भर देंगे दिमाग में साइकोलॉजी। हमने आपको रिकॉर्ड में कहा है कि अगर आप सच में टेट टीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के मास्टर बनना चाहते हो तो हमसे जरूर पढ़ो। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन होगा इंटेलेक्ट, बुद्धि होगी। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि अनुवांशिक है और कुछ कहते हैं वातावरणी है। यहीं पर हो जाती है लड़ाई, सहमति किसी से बनती नहीं है। इसी कंट्रोवर्सी को नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल आपके सामने फिर से लेकर आते हैं। तो जो आपके अनुभव सर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दीजिए, क्या था? अभिप्रेरणा अधिगम का, हाँ तो बताया तो था, अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। स्किनर ने बताया था बच्चे, स्किनर एकदम घिसा हुआ सवाल है और हर बार पूछा गया है, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन स्किनर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। आपको लगातार बने रहना है हमारे साथ और एक और बड़ी चीज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप रेडी रखिए। कौन किस प्रकार का वक्र, किस प्रकार का अधिगम वक्र इसको मानता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 4 पर हम लोग डिस्कस करेंगे, 4 हो चुका है, 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। कौन सा अधिगम वक्र, कौन सा अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग, कौन सा अधिगम, अधिगम मीन्स लर्निंग, वक्र मीन्स कर्व, कौन सा अधिगम वक्र पहले धीमी फिर तीव्र और फिर धीमी, पहले धीमी तीव्र धीमी धीमी गति गति को पूरा करता है, पूरा करता है। ऑप्शन यहां पर है, पहला ऑप्शन है नतोदर वक्र है। दूसरा वक्र जो है यहां पर बताया गया है उसको कहा गया है कोण वक्र। तीसरा जो है यहां पर ऑप्शन वो आपके सामने थर्ड ऑप्शन है जिसमें कहा गया है नकारात्मक गति वक्र। और फोर्थ ऑप्शन जिसमें कहा गया है यश आकारी वक्र। आपको बताना है, जिन लोगों ने कर्व ऑफ लर्निंग स्टडी किया होगा वो बेहतर तरीके से कर जाएंगे। सर सवाल टाइप नहीं कराया आप, देखिए हम सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। तो भैया हम अपने पे भरोसा रखते हैं, टाइप वाइप से कुछ नहीं होता। ये तुम सीखो विवेक भाई, बहुत ज्ञान देते हो तुम, है बहुत ज्ञान है बच्चे को। सर यस सर बेस्ट मोटिवेटर, देखो सोनाली सिंह, अच्छे बच्चे यही होते हैं जो टीचर की तारीफ करते हैं। ये सब उल्टे सीधे बच्चे विवेक भाई जैसे आ जाते हैं, पता नहीं तुम मिलो देखो तुम्हारी, हम ठीक करते हैं तुमको। हाँ गौरव कन्वजिया जी, नाटोडर वक्र, बहुत सही, नतोदर वक्र बढ़िया है, अच्छी बात है। चले तेजी से आंसर करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वर्धनम एकेडमी का, उस पर हम ढेर सारी बातचीत करते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ कॉन्सेप्ट के साथ आंसर करें। 5 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? कुछ बच्चों ने लगा लिया है, कुछ बच्चों ने आंसर कर लिया है और कुछ यहां पर कर रहे हैं क्वेश्चन। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं,
थॉर्नडाइक का कौन सा अधिगम सिद्धांत? अब कठिन सवाल आ रहा है इसमें, हाँ इसमें यस आकारी होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, यस सेव्ड, यस सेव्ड आंसर, यस सेव्ड कर्व कहते हैं। कैसा बनता है? जब हम प्रयास और लर्निंग के बीच में कर्व बनाते हैं तो क्या ये बनेगा, देखिए मैंने बना दिया है। नुपुर त्रिवेदी, अनुराधा गुप्ता, सोनाली सर, पहला ऑप्शन इंग्लिश में बता दीजिए, पहला ऑप्शन इंग्लिश में बता दे रहे। ये क्या करता है, नतो दर का मतलब होता है जिसका डिक्रीज हो रहा हो, घट रहा हो, यानी नेगेटिव कर्व ऑफ लर्निंग हो जाएगा यहां पर। सब पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए कितने लोग, डी 66%, ए 22%, बी 11%, सी 0% आंसर किया था। एस होगा राइट ऑप्शन, एस होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है, किस थॉर्नडाइक के किस अधिगम सिद्धांत से, थॉर्नडाइक के किस अधिगम सिद्धांत से पावलो का अधिगम सिद्धांत बना है। यहां ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें लिखा गया है, पहला ऑप्शन लिखा गया है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। दूसरा है समानता का नियम। तीसरा है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचर्य परिवर्तन का नियम एसोसिएटिव शिफ्टिंग। और फोर्थ है जिसमें लाफ रेडिनेस, तत्परता का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 में लगा हुआ है पोल और करिए। रुचि ने गुड इवनिंग कहा है, सोनाली ने ठीक है सर, गौरव कन्वजिया सर हम शिवानी हैं, अच्छा ये गड़बड़ रहता है। चलिए तो आप तुम शिवानी हो तो लगाओ आंसर, करो अपनी कंप्लीट तैयारी। जो नए बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त जो सो रहे हैं गहरी नींद में उनको जगाने के लिए करिए व्हाट्सएप काहे का फॉरवर्ड, शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो क्लास चल रही है उसका फॉरवर्ड। आपने थंबनेल में देखा होगा, अब होगी जीत की ललकार, जो सो रहे हैं शेर वो सब अब जागेंगे और सब बनेंगे शिक्षक। कोई ऐसा नहीं होगा जो शिक्षक बनने से वंचित रह जाएगा। हम सब आपके साथ बेहतर तैयारी के लिए खड़े हुए हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग विवेक यादव ने कहा है, नेहा मिश्रा ने 6 का ए लगाया है, ऋचा श्रीवास्तव ने 3 लगाया है, संगम सिंह जाग गए हैं। चलिए गंगा जमुना सरस्वती, संगम सिंह बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सी लगाया है आंसर। चलिए देखते हैं क्या होगा सही। ऐसे क्वेश्चन के आंसर, हुमा खानम ने 6 लगाया है, 6 का सी लगाया, अनुराधा गुप्ता ने भी 6 का 3 लगाया है। देखते हैं क्या सही होगा। एग्जिट पोल अभी जब एंड होगा तो पता चलेगा स्थिति क्या है, हम उसी टाइम आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जरा, के एम रागिनी ने, निशी जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नैन्सी जायसवाल सॉरी, हाँ तो सबका सही हो गया क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, देख लेते हैं क्या है। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यहां बात किन दो आदमियों की गई है, एक बड़े फेमस हैं जिनका नाम थॉर्नडाइक है, काहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इनका नाम है पावलोव, और ये रूस के मनोवैज्ञानिक है, कुत्ते पर काम किया था, कुत्ते का नाम क्या था, रैम्बो, टॉमी, किसका नाम था, हाँ सी लगाया 69, डी लगाया 23, बी लगाया 7, ए लगाया है 0।
यानी पोल कंप्लीट हो गया है, बहुत सारे वोट पड़े हुए हैं पोल पे, तो देखते हैं आंसर आपका, करते हैं सही आंसर क्या होगा, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुत्ते का नाम कुछ था बच्चों कि कुत्ता ही था नाम, कुत्ता ही था कुत्ते का नाम। अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस पर रिपीट किया था तो कंडीशनल रिस्पांस हुआ था। एसोसिएटिव शिफ्टिंग के बीच में भी क्या होता है, एसोसिएटिव हम हैं तो एक ही कैटेगरी के, हाँ हैं सब एक ही कैटेगरी के। चलिए इंपॉर्टेंट एसोसिएटिव शिफ्टिंग की बात की गई। थांडाइक पावलोव दोनों संबंधवादी मनोवैज्ञानिक हैं, दोनों संबंधवादी मनोवैज्ञानिक, कनेक्शनिज्म थ्योरी के बारे में बताया था, संबंधवादी मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है, थांडाइक ने सीखने के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए सबसे पहले बेक था ना, कुत्ते का नाम कुत्ता ही था, बिल्कुल विवेक भाई कुत्ता ही था, तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, और अगला सवाल क्या है उस पर थोड़ी बातचीत आपसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, थांडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 7, थांडाइक, देखिए हम आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से कई क्वेश्चन करा रहे हैं। थांडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए थांडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, क्या किया था। बड़ा सवाल है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा दे देगा हम मानेंगे कि उसने सच में तैयारी शिक्षक भर्ती, हाँ हुमा खान सर टाइप में गलती हो जाती है, हाँ वो तो सब वाजिब बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है, जब आप लिखते हो तो कहीं टाइपिंग इधर उधर, और ये जो ऑटो करेक्ट आया है ना मोबाइल में, इसका नाम बदल कर रख देना चाहिए ऑटो रॉन्ग, ये कुछ लिखो गुड मॉर्निंग हो जाता है गुड इवनिंग, अब वो आदमी कंफ्यूज कि यार सामने वाला लिख रहा है शाम को सुबह, जैसे छोटे बच्चे जब निकलते थे ना नर्सरी केजी वाले 10-11 बजे निकल रहे होते थे तो हम उनसे कहते थे अंकल जी शाम की नमस्ते गुड इवनिंग, अब वो हंसने लगते थे कि कितना मूर्ख आदमी है बताओ हुँ? तो थांडाइक ने क्या किया था बच्चे, पहला सबसे पहले क्या किया था, अनुकरणात्मक, इसको कहते हैं इमिटेशन, अनुकरणात्मक अधिगम पर कार्य, अनुकरणात्मक अधिगम इमिटेशन लर्निंग पर कार्य। दूसरा है प्रेक्षणात्मक ऑब्जर्वेटिव, प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक लर्निंग पर कार्य। तीसरा है प्रेक्षणात्मक परसेप्शन यानी संप्रत्यात्मक, इसको कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग यानी अधिगम पर कार्य। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव, सभी। अब बताइए सरल कर दिया वरना और बढ़िया हो जाता, अब कोई करे क्वेश्चन का आंसर। जितना बच्चा जुड़ा है, 7 नंबर क्वेश्चन पर पोल लगा दिया है, करिए वोटिंग जरा हैं, देखते हैं कितना आप करते हो। क्वेश्चन का आंसर जो दे देगा वो आज का स्टार कहलाएगा, और जो होगा स्टार वर्धनम अकेडमी करेगी उसको पुरस्कृत। हम आपको रिकॉर्ड पर बोल रहे हैं, जो भी आज का स्टार होगा उसको मिलेगा पुरस्कार। तो करे कोई आंसर, है कोई ऐसा बच्चा जो आंसर करेगा सबसे पहले मिलेगा उसको स्टार के रूप में, आज के स्टार के रूप में, वर्धनम अकेडमी के स्टार के रूप में उसको मिलेगा। हाँ बहुत सारे बच्चे, सालिनी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें।
क्योंकि वो जो सो रहे हैं किसकी निद्रा की, मोह की नींद में, उनको उठाइए और कहिए विवेकानंद की तरह कि उठो जागो और लक्ष्य की तरफ दौड़ना शुरू कर दो। जाकिया खातून जी, आसान क्वेश्चन नहीं है कि धक्का धक लगाए जा रहे हो, जो मनाता है आप चिपकाते हो। प्रियांशी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, रंजना यादव जी जुड़ गई हैं, कितने सारे बच्चे आज जुड़े, अनुराधा गुप्ता जी, सबसे कह दो 7 बजे से 8 बजे तक वर्धनम एकेडमी पर रोज शिक्षक भर्ती परीक्षा की क्लास चल रही है एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, और संडे को 6-7 घंटे एक्सपर्ट टीचर आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है जो रह गया इस व्यवस्था से वंचित, अब उसके लिए अवसर नहीं आएगा। दरवाजा खटखटा रहा है, नौकरी आपका दरवाजे के बेल बजा रही है, अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर लेकर जाएंगे। करिए आंसर, नीलम गौतम ने 7 का 3 लगाया है, इंड हो गया है पोल, वोट मिले हैं अलग अलग, 53% एक वोट मिला है। तो आज सबसे पहले किसने आंसर दिया था, वो बच्चा हमारे सामने आज का स्टार होगा जिसने सबसे पहले आंसर किया होगा। तो भैया इमिटेशन लर्निंग के ऊपर थांडाइक ने सबसे पहले काम किया था, ऑब्जर्वेटिव लर्निंग के ऊपर सबसे पहले काम किया था बंडूरा ने, अल्बर्ट बंडूरा, ये वही व्यक्ति है जिसने अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करके कहा था कि बच्चों को अगर हिंसात्मक पिक्चर दिखाओगे तो वो हिंसात्मक हो जाएंगे। नुपुर त्रिवेदी जी, सब लोग मिलकर सेशन को इतना वायरल कर दोगे कि कोई तुम्हारा साथी मास्टर बनने से वंचित नहीं रह जाएगा। हम बनाएंगे आपको एक्सपर्ट, क्योंकि आप हमारे लिए आते हो इस टाइम लाइव। सब लोग, हाँ देखो वर्धनम अकेडमी बीच बीच में आपसे इल्तजा करती रहती है, रिक्वेस्ट करती रहती है कि भाई थोड़ा शेयर करो उसको, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मजा आने वाला है CDP के साथ, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, रीजनिंग, अलग अलग टीचर आपको रूबरू होकर सिखाएंगे। तो आज का स्टार अपना नाम लिखे सबसे पहले किसने आंसर किया था, ये कंसेप्चुअल लर्निंग के बारे में गैने ने बताया था, तो गैने ने अष्टपदी सोपान, कुमारी रागिनी ने, KM रागिनी टीम, नाम इनका नोट कर लिया जाए, ये आज की स्टार है, इनको मिलेगा पुरस्कार, जरूर मिलेगा भैया पुरस्कार आज मिलेगा इनको, आज की स्टार है कुमारी रागिनी, इनका नाम नोट कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चतुस्सोपान अधिगम प्रणाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चतुस्सोपान, आप सोच भी नहीं सकते हो चतुस्सोपान, इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, बेबी डॉल पर एक्सपेरिमेंट बंडूरा ने किया था, हाँ बिल्कुल किया था बेबी डॉल के ऊपर। चतुस्सोपान अधिगम प्रणाली के बारे में बताया था। तो यहां रोजर्स है नाम पहला, कार्ल रोजर्स, रोजर्स पहला नाम है कार्ल रोजर्स, दूसरा गुथरी एडविन रे गुथरी, तीसरा टॉलमैन और चौथा ऑप्शन हल है। करें आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का, सर क्या मिलेगा, अब ये तो गोपनीय है भाई, क्या मिलेगा गोपनीय है, अगर आप स्टार होंगे तभी आपको आंसर मिले, उसका पुरस्कार मिलेगा। वर्धनम एकेडमी स्पेशल पैकेज भेजेगी आपको, जो जिस व्यक्ति के पास जाएगा वो बड़ा सरप्राइजिंग होगा उसके लिए, इंपॉर्टेंट है, जो छात्र जुड़ेगा, जो खेलेगा, जो पढ़ेगा वो जीतेगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चतुस्सोपान अधिगम प्रणाली, चतुस्सोपान का मतलब होता है 4, सोपान का मतलब होता है स्टेप, तो चतुस्सोपान 4-स्टेप लर्निंग सिस्टम के विषय में किसने बताया था, 4-स्टेप लर्निंग सिस्टम को मैं अगर और डिफाइन करूं तो यहां कुछ ऐसे हो जाएगा, 4-स्टेप लर्निंग सिस्टम में फर्स्ट सोपान यानी फर्स्ट स्टेप
एंड सेकंड स्टेप एंड सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप एंड थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। चतुष्सोपान प्रणाली में चारों स्टेप, 8 नंबर क्वेश्चन का लोगों ने ए लगाया है आंसर। हाँ, देखते हैं कौन आंसर करेगा, कौन आज आंसर करेगा इस क्वेश्चन में। भी अगर मैं चाहूं तो रख सकता हूं अवार्ड, लेकिन फिर बहुत ज्यादा अवार्ड हो जाएंगे। कठिन क्वेश्चन है, कमिटमेंट उतना ही करना चाहिए जितना। प्रियंका दीक्षित जुड़ गई हैं। नमस्ते सर जी, आपका और अभिनंदन है आप ही के चैनल पर। देखो ना कितने सारे लोग आते हैं यूट्यूब पर, कहते हैं आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते, धीरे धीरे अभिनंदन करते हैं, आरती करते हैं, अर्चना पूजा करते हैं, और इसी में सब समय खत्म हो जाता है आपके अपने चैनल में। तो तुम वहां क्या कर रहे हो जो हमारा चैनल है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा चतुष्सोपान में 4 स्टेप। आंसर अभी तक किसी का नहीं सही आया है, इसलिए गौरव कन्वजिया, सोनाली सिंह, नीलम गौतम, प्रियांशी गुप्ता, रुचि सिंह, अनुराधा, प्रियंका, संगम, आंसर अपना बदलिए। ये गलत आंसर जो लोग दे रहे हैं, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है यहां पर। चतुष्सोपान में अब हम बता रहे हैं, आप लगाइए तो पर आपका लॉस हो जाएगा, हमारा काहे का लॉस हो जाएगा, हमारी जेब से क्या जाता है। वर्धनम एकेडमी जाने, हमको तो कमिटमेंट करना है। अब हम कर देते हैं कमिटमेंट तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। सालनी सिंह, राही सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। हाँ, नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो चलिए अच्छी बात है। हाँ, ज्योति तिवारी, 8 का ए के सामने हमने गलत लगा दिया है, 8 वाला गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा, करिए आंसर। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, अब लगा लीजिए आंसर। हाँ, रंजना यादव जी लगाइए आंसर, डिलीट करने से भला नहीं होगा, यहाँ तो डिलीट का ऑप्शन है, पेपर में नहीं आएगा डिलीट का ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है, करिए क्वेश्चन। इसको कहते हैं स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। इसको कहते हैं आश्रित चर, आश्रित चर, चर का मतलब वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद इंटरवेनिंग आता है, द्वितीय और तृतीय में क्या होता है, इंटरवेनिंग हो जाता है, द्वितीय और तृतीय ये दो हो जाते हैं इंटरवेनिंग, द्वितीय और तृतीय इंटरवेनिंग यानी क्या होते हैं, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती हो जाते हैं, इंटरवेनिंग हो जाते हैं, और ये हो जाता है आश्रित चर। इंटर वेरिएबल्स, आप जो थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह के बारे में पढ़ा होगा वो क्वेश्चन का आंसर किसी एक बच्चे ने दिया है, सोनाली सिंह पहली स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है हल। प्रबलन का सिद्धांत जो लेकर आए थे, प्रबलन थ्योरी, प्रबलन थ्योरी ये क्या थे, ये मैथमेटिक्स जो पढ़ा होगा, ये जैविकी अनुकूलन सिद्धांत या आवश्यकता आकलन सिद्धांत के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है, नेहा मिश्रा और अनुराधा जी ने सही लगाया, नीलम गौतम ने गलत लगाया। डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन डी होगा। तो कुमारी रागिनी और पिछली क्लास में शालिनी दो हैं स्टार वर्धनम एकेडमी के, जिन्होंने लहराते हुए क्वेश्चन को कैप्चर किया था, कठिन सवालों को कैप्चर किया था। तो इंपॉर्टेंट है, सेशन के साथ सब लोग बने रहिए, क्योंकि एक बहुत ही महारथी टीचर आपके समक्ष आने वाले हैं, जो आपको एक ऐसी विषय पढ़ाते हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, 8 8 8 बार उत्तर आए 1000, 11111 को कैसे लिखा जाए ये बताते हैं वो, और बताते हैं 3.25 में 3.5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा। वो टीचर आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैथमेटिक्स को 20 में से 20 अंक गेन कैसे किए जाएं, इस पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, लेकिन आपको सेशन के साथ बने रहना है, क्योंकि आपके सामने सुपर टेट के महारथी, एस टेट के महारथी, एस टेट में जो एक मेजर सब्जेक्ट है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है जो आता है मैथमेटिक्स यानी गणित, उसके सर आ रहे हैं हमारे समक्ष। तो मैथमेटिक्स
को अगर आसान तरीके से सीखना है तो सेशन के साथ बने रहिए, एंजॉय करिए और जबरदस्त तरीके से। मैंने प्रॉमिस किया है आपके सामने कि सुपर टेट में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अधिकतम अंक ना प्राप्त करे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, 7 बजे से 8 बजे तक रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, ताकि आपके कोई काम में बाधा ना पड़े। 7 बजे से 8 बजे तक रोज और संडे को लंबी क्लासेस जिसमें कई सारे टीचर मिलकर एकदम घेर करके चीजों को ऐसे तैयार कराएंगे कि आपको कॉपी पेन किताब पुस्तक कोचिंग टीचर किसी की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और स्वयं बन जाओगे आप शिक्षक। तो इंपॉर्टेंट है सेशन के साथ आप लोग लगातार बने रहें। तो सर आएंगे, अब आपसे बातचीत करेंगे 1 घंटे लगातार बेसिक लेवल पर। अगर मैथ सीखना चाहते हो तो सच में आप इस सेशन को और शेयर कर लो, नए अंदाज में, नए तरीके से, नई चीजें और नए अनुभव, क्योंकि सीडीपी को तो हम याद ही करा देंगे, लेकिन ये वाले जो सर आएंगे वो आपको मैथ, जिनको नहीं सर, हाँ आज शाम को सर क्लास लेंगे क्या, तो क्लास लगातार चलती रहेगी, शाम को आज कोई क्लास नहीं, ये क्लास जब तक तुम बने रहोगे यहां पर तब तक हम लगातार क्लास लेते रहेंगे तुम्हारे साथ। सर मेरा नाम नोट किया जाए वर्धनम स्टार के लिए, सोनाली सिंह। सोनाली सिंह क्यों ये नाम नोट किया जाए, क्योंकि हमने जिस क्वेश्चन पे स्टार वर्ड लगाया था उसने कुमारी रुचि ने, क्या नाम था, कुमारी रुचि ने, केएम रुचि ने आज का विनर है। अगर आपने कुछ ऐसा कार्य किया है तो टीम आपको जरूर आइडेंटिफाई करेगी और आप तक पहुंचाएगी आज वर्धनम एकेडमी के स्टार के रूप में पुरस्कार। वो आपको सरप्राइजिंग होगा, वो आपको मिलेगा किसी दिन जल्दी ही, लेकिन चैनल के साथ बने रहिए, सीखते रहिए। मैथ सिखाने के लिए सर अभी उपलब्ध है, आइए सर और तेजी से बच्चों को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताते चलें, सिखाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।